रामा मेहरा के दिल की बैटरी से चलता है। आपने आए हुए मेहमानों का हार्दिक स्वागत किया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब लोग यहाँ पर एक बैंकिंग फिल्म जिसका नाम है हम हैं बंडा बॉयज का आज खुशी है। मेरे दोस्तों, तो आज आपको इस प्रोग्राम की एंकरिंग कर रहा हूँ। दोस्तों मैं कुछ मेहमानों का नाम लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अभी कुछ ही देर में हमारे बीच में उदित नारायण जी आने वाले हैं जिनके हाथों से ये म्यूजिक लॉन्च होगा। तो मैं सभी मेहमानों से चाहूंगा कि वो अपने अपनी जगह पर बैठ जाए। दोस्तों उदित जी हमारे बीच में मत हो सके प्लीज, आप लोग पीछे जाकर देखेंगे। ऐसा लगाया एक अच्छी फिल्म बनी, इसमें जितने भी कलाकार हैं सब बहुत सीनियर सूझे हुए हैं और रामा मेहरा जी जैसा कि आपने कहा ये सही है कि हम लोग इस फिल्म की कहानी के लिए और इस फिल्म की जो तैयारी थी उसके लिए हम लोग कई दफ़े अहमदाबाद गए, उनके घर पे भी गए। फिर हम लोगों ने अनिल मेहता जी का नाम सजेस्ट किया और माशाल्लाह ये फिल्म बनी। थोड़ा वक्त लगा लेकिन ये फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई जो रिलीज़ के लिए तैयार है। इसमें हसन भाई को मैं इसलिए बधाई दूंगा कि इन्होंने एज ए हीरो लीड रोल के हिसाब से इन्होंने अपना कैरियर शुरू किया है और बहुत मेहनत की इन्होंने डांस में, फाइट में, एक्टिंग में, लोकेशन में और ख़ास तौर से पैसा खर्च कर दिया। तो मैं जिस पैसा होता है उन्होंने इस फिल्म में लगाया। इसमें बहुत सारे सीनियर कलाकार हैं, हमारे रजा भाई हैं, मुश्ताक भाई हैं हमारे और बहुत से लोग हैं, महेशा जी भी हैं, बहुत सारे सीनियर इसमें एक्टर एंड एक्ट्रेस हैं और एक अच्छी खूबसूरत फिल्म बनी है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब फिल्म रिलीज़ होगी तो अनिल मेहता जी की मेहनत इसमें नज़र आएगी और मैं यही दुआ करता हूँ कि फिल्म चले, इससे प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा हो, डायरेक्टर को भी फ़ायदा हो और इंटायर टीम को और जितने भी यहाँ पे प्रेस वाले और जितने भी लोग यहाँ पे आए मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि ऐसे लोगों के लिए आप सब की ज़रूरत है और आप सब यहाँ पे आए और एक नई फिल्म के प्रमोशन के हिसाब से आप जो आप आशीर्वाद देने आए उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया संजय भूषण जी का भी, मिथिले सिन्हा जी बैठे हुए हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हैं मनु जी सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जितने लोग यहाँ पे आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे दोस्त बिल्डर राजा भाई भी आए हैं भोपाल से, खास तौर से इस फिल्म के कैसेट के लॉन्चिंग के मौके पर, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया अनु भाई। सर आप जाइएगा मत क्योंकि अभी जो मैं 10 मिनट अभी बाकी हैं, प्लीज नहीं आप ठीक बैठ। दोस्तों मैं इस फिल्म की जो हीरोइन है नेहा और इस फिल्म की नायिका है नेहा जी, आपका मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा नाम रामा मेहरा है और मैं बहुत छोटा सा कलाकार आदमी हूँ और आज मुझे यहाँ कहा गया कि इसमें दिया है। अली भाई को जो एक्टर अच्छा लगता है उसको डायरेक्टर बना देता है तो एक पीछे आ रही है मेरी। तो नेहा जी मैं चाहूँगा कि इस फिल्म के बारे में कुछ आप बताएं क्योंकि बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन के साथ ये मेहनत बनाई गई, पिक्चर बनाई गई और बहुत कोशिश की आप सभी लोगों ने। मुझे अनिल मेहता जी ने पूरा डिटेल बताया तभी मुझे इस काम के लिए चूज किया कि रामा जी आप फिल्म के बारे में कलाकारों से जितने अच्छे तरीके से आप पूछ सकते हैं वो कोई और नहीं पूछ सकता क्योंकि आप खुद भी एक कलाकार हैं। तो नेहा जी आप इस फिल्म के बारे में बताएं। ग्रीटिंग सबको, मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी अनिल मेहता जी का, हसमुख जी का और रेखा जी का जिन्होंने इस फिल्म के लिए मुझे चुना। इसमें मेरा एक रोमांटिक है, हसमुख जी के साथ रोमांस करती नजर आऊँगी। मैंने उन्होंने काम किया, फर्स्ट टाइम लगा नहीं कि फर्स्ट टाइम वो एज एन हीरो काम कर रहे हैं, मतलब कंफर्टेबल थे बहुत, सब लोग बहुत अच्छे हैं। सर के साथ तो काम, एक हिंदी फिल्म भी मैंने की थी और आप लोग ये फिल्म ज़रूर देखिएगा और बहुत मेहनत से अनिल जी ने ये फिल्म बनाई है तो सब
लोग सपोर्ट करने आए हैं सबकी तरफ से मैं सर का शुक्रिया अदा करती हूँ थैंक यू सो मच दोस्तों इस स्टेज पे हीरो आए और हीरो ना आए तो कपल अधूरा होता है तो मैं हीरो साहब से चाहूंगा हर्षित पटेल साहब से वो आप स्टेज पे आ जाइए सर दोस्तों हाँ अब मामला ठीक लगा स्टेज क्या है बगैर हीरो के अधूरा होता है तो अब हर्षित पटेल साहब आ चुके हैं तो मैं चाहूंगा हर्षित जी से वो भी कुछ कहें ये पिक्चर हमने स्टार्ट किए थे एक अली खान की वजह से तो मेरा तो प्लानिंग ही नहीं था ये इंडस्ट्रीज में आने के लिए लेकिन अली खान के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है घर फैमिली रिलेशन है तो मुझे लगा कि चलो ट्राई करते हैं अली खान ने बोला मैं पीछे खड़ा हूँ तो कोशिश की और सबकी दुआएं और सबकी मेहनत लगन के वजह से आज यहाँ तक पहुँच गए और 8 अप्रैल को रिलीज हो रही है ऑल ओवर इंडिया और जो हर्ष साहब की जो रियल जिंदगी की हीरोइन है रेखा जी मैं कहना चाहती हूँ सुपर हिट है दीदी मैं चाहती हूँ सबको चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया हर्षित साहब बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया प्लीज थैंक यू सो मच खान साहब थैंक यू वेरी मच बहुत देर से इंतजार कर रहा था यहाँ आने के लिए माइक के लिए तरस रहा तड़प रहा सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अनिल मेहता साहब का ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और जब भी ये कोई फिल्म बनाते हैं तो मुझे ज़रूर लेते हैं हर जगह लेके जाते हैं तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई है एज एन एक्टर कि ये फिल्म पूरी हुई यहाँ तक पहुँची और रिलीज़ के लिए तैयार है उसके बाद मैं हसमुख साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ लेकिन हसमुख भाई को शुक्रिया अदा करने से पहले मैं मेरे दोस्त मेरे साथी कलाकार अली खान का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हसमुख भाई को इंसिस्ट किया कि ये फिल्म बनाए तो ये फिल्म करने का उनको मौका मिला भाई भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका तो ये सारी फिल्मों में बहुत मेहनत लगती है बहुत पैसा लगता है कितनी फिल्में हम करते हैं स्क्रीन पर पहुँच नहीं पाती हैं बड़ी दिक्कतें होती हैं बड़ी मुश्किलें आती हैं लेकिन खुशी उस बात की होती खास करके वो फिल्में जिनमें स्टार्स नहीं होते बिना स्टार्स के फिल्म बनाना ये आज बहुत कठिन बात है बड़ी टेढ़ी खीर है उसके बाद भी बिना स्टार के फिल्म बना करके नए लड़का लड़की के साथ हीरो हीरोइन के साथ फिल्म बना करके तैयार कर लेना उसको रिलीज़ करना मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है तो मैं बस यही दुआ करता हूँ कि फिल्म रिलीज़ तो होगी लोग उसे पसंद करें और अनिल मेहता एज ए डायरेक्टर और हसमुख मेहता एज ए प्रोड्यूसर एज एन एक्टर प्रसिद्ध हो जाए नाम हो जाए और इंडस्ट्री में उनका काम बने थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया कलाकार के लिए कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम है क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पुलिस ऑफिसर बने हैं फिल्मों में एक और एक्टर थे अनीता राज के पापा जगदीश राज जी तो महेश राज जी ने भी बहुत सारी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर का रोल किया है तो मैं चाहूँगा कि महेश राज जी से बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन जो उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर में मैंने बहुत काम किया है ये बात सही है कि मेरे भी पता नहीं कितना काम किया मैंने इत्तेफाक से इसमें भी मैंने इंस्पेक्टर का ही रोल किया इसका नाम मुझे बड़ा अच्छा लगा हम है वंडर बॉय इसमें हर चीज मुझे वंडर दिख रही है और वंडरफुल दिख रही है हर बात वंडरफुल है हर लोग वंडरफुल है हर एक्टर वंडरफुल है वंडर ही वंडर है और वंडर बॉय नहीं वंडर एक्टर है ये बात मुझे अच्छी लगी इसमें मुझे रोल देने वाले हैं श्री अनिल मेहता जी मेरे अच्छे दोस्त और मैं उन्हें हमेशा धन्यवाद देता हूँ जो मुझे रोल देते हैं बुला के ऐसे दोस्त होते हैं जो बुला के देते हैं अनिल जी ने बुला कर रोल दिया अभी लेकिन मुझे मालूम हुआ कि ये रोल
देने के लिए अली खान साहब ने मुझे रिकमेंड किया था, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ।